तो दोस्तों हमने गेट की कटिंग सबसे पहले फ्रेम की करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम गुनिया को लेकर नाप कर सही निशान लगाएंगे और ग्लेंडर से इसको काटेंगे। तो निशान लगा लिए चारों तरफ। और जो पाड़े में डाल रहे हैं इनकी भी 3 फिट, तो इसमें बीच में डालेंगे वो डालेंगे 16 इंच। तो दोस्तों हमने जो 2-1 के पाइप काटे थे स्टील के, वो सही तरीके से नाप के उसको वेल्ड करेंगे, साथ ही उसमें को मजबूती देने की कोशिश करेंगे ताकि ये बाद में उखड़े ना या परेशानी ना हो। दोस्तों शुरुआत में हम लोग 1-1 टाँका मारते हैं ताकि कोई दिक्कत भी ना आए इसमें और सही तरीके से जुड़ भी जाए, और इसके बाद जब फाइनल वेल्डिंग होती है तो उसमें पूरी तरह हम वेल्डिंग भरते हैं इसको, पूरे गैप कवर करके और हैमरिंग मार के और इसको सही तरीके से पॉलिश भी करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम लोगों ने फ्रेम रेडी कर दिया है, तो इसको स्लाइड करने के लिए हम नीचे का गिरारी जाम करेंगे, गिरारी वाला पाइप, ताकि इसमें सही तरीके से उसको समय दे सकें और वो सही तरीके से जाम भी हो जाए। तो हम इसको पूरी तरह से सीमेंट गिट्टी बालू से जाम कर दिया। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा फ्रेम बनाने की तैयारी करने लगे ताकि काम लेट भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके कम समय में। तो दोस्तों इसके लिए हमने 1/2 इंची बाई 1/2 इंची के पाइप काटे। इसकी मिरर फीट लगाने के लिए, जो डिजाइन वाली लेजर फ्री फीट आएगी, तो उसका फ्रेम बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले उसके फ्रेम काट के पहले आदमी उसकी वेल्डिंग की सही तरीके से। तो कुछ देख सकते हैं आप, इस तरह सभी जगह 1-1 टाँका मारा है वेल्ड करने के लिए। फिर इसका फाइनल होने के बाद इसकी इसकी वेल्डिंग सही तरीके से पूरी तरह भर देंगे अंदर से। तो इस तरह हमारा फ्रेम का लगभग कंप्लीट हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चारों तरफ लगाना पड़ता है ताकि गैप भी ना दिखे कहीं। तो हमने 1/2 इंची बाई 1/2 इंची के पाइप चारों तरफ लगा दिए हैं। बाकी आप देख सकते हैं दूसरा फ्रेम हमारा रेडी हो चुका है, जिसमें अभी हमने पाइप लगाई थी, इसमें बॉल सेट भी लगा दी है, पॉलिश भी इसमें कर दिया है, थोड़ी बहुत अभी फिनिशिंग बाकी है, तो वो गेट फिट होने के बाद हम लोग इसमें फिनिशिंग करेंगे। तो दोस्तों हमारे दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं, जिन्हें हम मकान से बाहर लाकर चैनल पर फरका कर देखेंगे, साथ ही देखेंगे कि इसको रोलर में सही ये दरवाजे स्लाइड हो रहे कि नहीं हो रहे, या और कोई भी समस्या आ रही है तो उन्हें हम अभी सही कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले दरवाजे को सही तरीके से चैनल पर चढ़ाया, दोनों ग्रारियों को प्रॉपर तरीके से, ताकि वो सरके। तो इस इन बातों का ध्यान रखते हुए दोनों ग्रारियों को देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने उसको चैनल पर चढ़ा दिया। फिर इसके बाद हम जो ऊपर रोलर लगाए हैं, तो उन रोलर में भी फंसा कर देखेंगे गेट को कि सही तरीके से चल रहा या नहीं, या फंस वगैरह तो नहीं रहा। तो दोस्तों हमारा पहला बार का ही प्रैक्टिकल सही निकला, मतलब बहुत अच्छे तरीके से गेट सरक गया। इसके बाद हमने इसका बाहरी फ्रेम बनाया जो चारों तरफ से रहना है इसको मजबूती देने के लिए। तो ये फ्रेम देख सकते हैं आप, ये फ्रेम हमने 2x2 के पाइप से बनाया ताकि जो ग्रारी हमने ऊपर लगाई है वो मजबूत ज़्यादा से ज़्यादा रह सके और गेट का लोड भी उठा सके। इस तरह देख सकते हैं आप, पूरा गेट रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सा पॉलिश और जो मैंने शुरू में बताया था कि वेल्डिंग भरनी, तो सभी पाइपों में वेल्डिंग भरेंगे। इसको स्लाइड व्लाइड वगैरह करके देख लिया था प्रहलाद ने, और पल्ला भी ओपन करके देख लिया था, तो इसमें हालांकि कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बहुत अच्छा लुक आ गया था गेट का भी, और गेट अच्छी तरह से फिट भी हो गया था। तो इस तरह आप देख सकते हैं, इसका एक ओपन पल्ला है, ओपन पल्ला में हम लोगों ने 2 mm की लेजर कटिंग फीट डिजाइन वाली। हाँ मैं पहला पटेल, हाँ। जो रेलिंग साफ करने का गैस पैनल होने का, जो रेलिंग साफ की जाती है
तारपीन का तेल, डीजल, अपना सबसे पुराना तेल मिट्टी तेल यूज कर सकते हैं, और उसे साथ तेल सूख जाने के बाद उसे व्हाइट सीमेंट से साफ किया जाता है। चलो इसका बाहर से दिखा रहे लोग कैसे साफ है। इतनी अच्छी आती है कि चेहरा बराबर देखने लगता है। ये गेट है जो कि पूरी तरह फाइनल हो चुका है। ये जो हमारा गेट है ये 10x7 का गेट है, और इसमें सबसे पहले तो क्रैबिंग के लिए 3 लीटर का पाइप यूज किया गया है। पकड़ से कौन सा 3 लीटर का पाइप यूज किया गया है? ये पाइप जो है 3 लीटर का पाइप है, 1 इंची है, और जो क्रैबिंग में पाइप लगा है 1/2 इंच लगाया हुआ है, और इसमें जो बीच हमारा है ये 2x2 का पाइप है, 1 इंची होल वाली बॉल लगी है, 2 साइड होल वाली बॉल लगी है, और जो ऊपर गरारी के लिए फ्रेम बनाया है ये 2x2, और पीछे रोकने के लिए लगाया हुआ है 2x1.5 इंची गरारी लगी हुई है इसमें, और 1 इंची पाइप लगा हुआ, जो हैंडल लगे हुए हैं 1 इंची लगा हुआ, वो 1.5 इंची हैंडल लगा हुआ है, उसमें हेलमेट थोड़ी सर का यूज किया गया है रोकने के लिए ट्रेवल के लिए, इसके बीच में 1 इंची का रोलर यूज किया गया है जो कि पाइप लगता हुआ अंदर फासना लगाया हुआ है, गेट न लटके उसके लिए एक फासना बनाया गया है जिससे गेट ना लग सकता, और ये हैंडल बना हुआ है 4x4 का बना हुआ है, ऊपर नीचे दोनों साइड गरारी लगाई हुई है ताकि ये बाहर भी ना जा सके, और इसे लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब फोन पे लगा के देखते हैं।